अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने सबक नंबर 12 पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर आधे हर्फ किस तरह से लिखे जाते हैं और ये आधे हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिलकर लफ्ज़ किस तरह से तैयार होते हैं और इसको लिखा किस तरह से जाता है, ये आज आपके सामने यहाँ पर मश्क कराई जाएगी। तो इसमें जैसे आप हर्फ तेजी पढ़ते हैं, इसी तरह से ये हर्फ भी इसी तरह से पढ़े जाते हैं। जैसे बो, पो, तो, टो, सो, जो, चो, हो, खो, सो, शो, सो, जो, ओ, गो, फो, को, कु, गो, लो, मो, नो, हो और यो। ये इतने हर्फ आधे लिखे जाते हैं और ये आधे हर्फ दूसरे हर्फों के साथ मिलकर लफ्ज तैयार होता है। तब यहाँ पर इसके अंदर इन हर्फों के अंदर हर्फ तेजी के अंदर चंद ऐसे हर्फ इसके अंदर आधे भी लिखे जाते हैं, वो कौन से हैं ये हर्फ यहाँ पर आपके सामने लिखे जा रहे हैं। तो ये हर्फ जो है ये हर्फ तेजी के अंदर ही मौजूद है, मगर इन हर्फों को आधा लिखा नहीं जाता। इन हर्फों को आधा लिखा जाता है मगर इन हर्फों को आधा लिखा नहीं जाता, ये मुकम्मल शक्ल में जाते हैं, दूसरे हर्फ के साथ मिलकर लफ्ज बनते हैं। समझ में आ रही बात? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये आठ जो हर्फ हैं ये आधे नहीं लिखे जाते, ये आधे नहीं लिखे जाते। कभी आपके सामने जो आधा हर्फ है वो आधे हर्फ से दूसरे हर्फ के साथ मिलकर किस तरह से लफ्ज बनते हैं या आपके सामने मश्क कराई जा रही है। तो इसमें सबसे पहले आधा हर्फ है बो, आधा हर्फ क्या है बो है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मुकम्मल ल मिलाएंगे, मुकम्मल ल मिलाएंगे, तो ये क्या बनेगा ब ल बल, क्या बनेगा ये ब ल बल। अभी यहाँ पर आधा को है, इसके अंदर हम क्या करेंगे मुकम्मल हर्फ क्या करेंगे न मिलाएंगे, प न पन, क्या पढ़ेंगे इसको हाँ पन। अभी तीसरा हर्फ यहाँ पर तो, आधा तो, अब ये त के अंदर न मिलाएंगे तो न तन, इस तरह से ये आधे हर्फ क्या होते हैं दूसरे हर्फों के साथ मिलकर लफ्ज बनने में क्या करती है मदद करते हैं। अब यहाँ पर टो, इसके अंदर हम क्या करेंगे म मिलाएंगे, मुकम्मल म मिलाएंगे, ट म टम, इस तरह से ये हर्फ आधे हर्फ क्या होते हैं इन हर्फों के अंदर मिलकर लफ्ज बनते हैं। क्यों हो गया ना पूरा नाम। अभी जो, जो उसके अंदर हम म मिलाए, जो म जम, जो म जम, अभी ये आधा चो, इसके अंदर हम क्या करेंगे ल मिलाएंगे, मुकम्मल ल मिलाएंगे, च और ये ल चल। उसके बाद में ये आधा हो, इसके अंदर हम क्या करेंगे मुकम्मल द मिलाएंगे, मुकम्मल क्या करेंगे हम द मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे इसके अंदर द मिलाएंगे, और अध
द हज। अब यहाँ पर स है, स को क्या करेंगे, आधा स आधा स, और उसके अंदर क्या करेंगे हम म मिलाएंगे, स म सम, स म सम। अब ये आधा श है, उसके अंदर हम क्या करेंगे क मिलाएंगे, श को शक, श को शक, समझ में आ रही बात, श को शक। उसके बाद में ये आधा क, उसके अंदर हम क्या करेंगे ल मिलाएंगे, क्या करेंगे हम इसके अंदर ल मिलाएंगे, क ल कर, क ल कर। हाँ, श के बाद, श के बाद, श के बाद करने वाली, श के बाद क्या है, स आधा स और ये दो, स दो सर, क्या बोलेंगे इसको, स द सर। उसके में उसके आगे वाला है ज दो, ज द जर, ज द जर। उसके बाद में अ है, अ म अम, अ म अम। उसके बाद में दूसरा उसके आगे वाला हर्फ है ग और ये म गम, ग म गम। उसके अंदर ये आधा क और उसके अंदर हम क्या बोलेंगे र मिलाए, फ र फर। उसके अंदर ये आधा क, उसके अंदर हम क्या करेंगे द मिलाएंगे, क द कर। उसके बाद में ये आधा क, उसके अंदर क्या करेंगे ल मिलाएंगे, क ल कल। उसके अंदर उसके आगे वाला हर्फ है ग, ग इस तरह से लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे ल मिलाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे ल मिलाएंगे, ग ल गल। उसके बाद में ल आधा ल, उसके अंदर स मिलाएंगे, ल स लस, ल स लस। उसके अंदर आधा म, उसके अंदर हम क्या करेंगे न मिलाएंगे, म न मन। उसके बाद में आधा ह, उसके अंदर ल हल। उसके बाद में य और उसके अंदर म मिलाएंगे, य म यम, य म यम। इस तरह से आधे हर्फ मिलकर जब ये मुकम्मल लफ्ज बनते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है जैसे हरफ़े तेजी पढ़ते हैं इसी तरह से पढ़ा जाएगा, और लिखने के वक्त इसको आधे हर्फ करना है, दूसरे हर्फों के साथ जोड़कर लिखना है। तो ये हो गया आज का हमारा सबक नंबर 12। तो ये आधे हर्फ किस तरह से लिखे जाते हैं और इसको पढ़े किस तरह से जाते हैं यहाँ पर आपके सामने बताया गया। तो इसको क्या करना है, आधे हर्फों के मदद से दो हर्फी लफ्ज बनाना है जिसका मतलब हो या ना हो, जैसे ब ल बल, प ल बन। ब ल बल का मतलब हो सकता है ना, ब ल बल का मतलब हो सकता है, मगर प ल बन का मतलब नहीं हो सकता। मगर आपको हर्फ जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे हर ऐसे अल्फाज लिखने जिसका मतलब न हो चलेगा, मगर ये इस तरह से जोड़ा जाता है, इसकी मुश्किलें ऐसे लफ्ज लिख सकते हैं। जैसे तन लिखा जाता है, फर लिखा जाता है, फर का कोई माना नहीं है, मगर इसको लिखने की मश के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये ऐसे अल्फाज क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। किसलिए, ये आधे हर्फ किस तरह से जोड़े जाते हैं इसकी मश के लिए ये आप दो हर्फी अल्फाज लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किस तरह से ये अल्फाज ये हर्फ जोड़े जाते हैं और इसकी मश किस तरह से की जाती है ये आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका सबक नंबर 12 आधे हर्फ। क्या ये आधे हर्फ इस तरह से आप क्या करना है, ऐसे दो हर्फी अल्फाज लेकर क्या करना है, ऐसे आधे हर्फों को जोड़कर क्या करना है, दो हर्फी लफ्ज बनाना है। समझ में आने के बाद इस तरह से ये सबक नंबर आपका 12 रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से आप घर में मश करेंगे और इसको लिख कर इसकी फोटो और
इसको पढ़ते हुए इसका बनाया गया वीडियो आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे या भेजेंगे, जिससे पता चलेगा कि आगे हर आपको लिखने में किस तरह से आसानी हो गई, ये मुझे समझ में आएगा। आप इन आधे हरफों के साथ लफ्ज किस तरह से पढ़ते हैं ये मुझे आपके वीडियो के जरिए मुझे पता चलेगा। इससे आप क्या करेंगे, उसकी फोटो जो लिखी जाती है बयान में वो काफ़ी में क्या करेंगे, आप इन आधे हरफों को लिखेंगे और उसके नीचे दो हरफी अल्फाज आधे हरफों को जोड़कर क्या करेंगे लिखेंगे, इसकी फोटो और आप जो पढ़ रहे हैं उसकी वीडियो बनाकर क्या करेंगे मुझे भेजेंगे, जिससे आपके पढ़ने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी है उसका हल मुझे निकालने में या उसका आपकी जो मुश्किलात है वो दूर करने में मुझे क्या होगा, ये तुम्हारा वीडियो और फोटो मुझे क्या करेंगे मदद करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे इसको इस तरह से वीडियो भी बनाएंगे और उसकी लिखाई का फोटो मुझे सेंड करेंगे। आज का सवाल नंबर 12 इस तरह से आप क्या करेंगे इसको मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।